आज हम बनाने जा रहे हैं छोला। छोला चना हम बिना शौक किए उबालेंगे। इनको भिगोने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना तो हम इसमें बेकिंग का इस्तेमाल करेंगे और ना हम इनको ओवरनाइट भिगोने का झंझट। अगर आप आपको बनाना है छोले तो झटपट आप ये छोले बना सकते हैं। बस आपके पास काबली चने हों, उनको एक पानी या दो पानी से धुल लें और बस उबाल लें और छोला आप बना सकते हैं। आपको ओवरनाइट इंतज़ार करने की या 5-6 घंटे की परेशान होने के लिए कोई ज़रूरत नहीं। तो छोले यहाँ हमने धो लिए हैं। यहाँ पे हमने 100 ग्राम काबली चना लिया है। अब हमने इनको दो पानी से धुल के कुकर में ऐड कर दिया। यहाँ पे हम 1 से 1.5 कप पानी ऐड करेंगे। चने के ऊपर कम से कम 1 अंगुल ऊपर पानी होना चाहिए, ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं, अंदर उफान आ जाएगा। और अब हम यहाँ पर नमक डालेंगे। नमक आप स्वाद अनुसार भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें 1 सीटी आने देंगे और अब हम इसको खोल के चेक करते हैं तो हमारे चना तैयार। अब हम यहाँ पर एक ट्रिक और आजमाएंगे, वही ट्रिक है जो कि हमारे चने उबल जाते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है आइस क्यूब। आइस क्यूब यहाँ पर हमने 6 से 7 लिया है। अब हम इनको ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद यहाँ पे कुकर का ढक्कन लगा करके 1 सीटी आने देंगे। और 1 सीटी आने के बाद हम फिर से चेक कर रहे हैं। फिर से चेक करने के बाद अब आप देख पा रहे हैं कि चना हमारे जो हैं कि पूरी तरह से फट गए हैं और अच्छे से उबल गए हैं, गल गए हैं। अब हम इनको स्पून में दिखाते हैं। ये देखिए किस तरह चना गले हैं। और सोक करने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे हमने कोई बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं किया, ना तो बेकिंग पाउडर का। और चना हमारे कितने अच्छे गल करके पके हैं। तो कैसे लगी आज की ये रेसिपी आपको, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।